हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है भाई फिर से आपका एक नई वीडियो में। अभी मैं हूँ इंदौर में और इंदौर में बागेश्वर धाम की कथा चल रही है, यहाँ पे भागवत चल रही है। भाई मैं भी पंडाल में हूँ। आज है गुरु दीक्षा समारोह। जो गुरुजी ने कल बोला था, जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो जहाँ पे कार्यालय बना हुआ था उन सब ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और आज उनको गुरु दीक्षा देंगे। अभी भी गुरु दीक्षा चल रही होगी क्योंकि जहाँ पे रुके हैं ना उनको वहाँ पे बुलाया था। अभी यहाँ पे आके भी थोड़ा बहुत बताएंगे गुरु दीक्षा के बारे में, क्या क्या होता है गुरु दीक्षा। अगर आप लोगे तो उसमें आपको क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे इनके जो किसी भी आप गुरु को जुड़ते हैं तो गुरु के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मानना पड़ता है। तो वैसा ही होगा, आप भी अगर गुरु दीक्षा लेंगे तो थोड़ा बहुत नियम कानूनों को मानना पड़ेगा उसमें। अभी भाई ये देखो, आप लोग देख सकते हो, ये कुछ कैबिन से बना के बैठा रखा है। यहाँ पे एक ये कैबिन हो गया, यहाँ पे बैठा रखा है, एक उधर बैठाएंगे, एक इससे सबसे आगे है। वो क्या रहता है, वो शाम के टाइम ज़्यादातर खोलते हैं, जैसे जब भजन संध्या होती है या फिर कोई कीर्तन होता है उस टाइम उसको खोलते हैं। अभी उसमें ज़्यादा नहीं खोलते, अभी केवल तभी खोलते हैं जब कोई VIP वगैरह आता है या उनके साथ वाले कोई होते हैं तो तब थोड़ा बहुत खोलते हैं, बाकी उस टाइम उसको नहीं खोलते। ये कैबिन बना हुआ इधर, और जैसे जैसे ये कैबिन भरते रहेंगे, इतना नहीं भरते कि एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, पूरा नहीं ठोकते। ऐसे भी लोग आने स्टार्ट हो गए हैं तो धीरे धीरे करके लोग इसमें भरते जाएंगे। अभी देखो ये थोड़ा बहुत ये भर गया है, जैसे ये भर जाएगा इसमें कि ज़्यादा भीड़ ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कि एकदम ज़्यादा भीड़ ना हो, तो फिर से इस कैबिन को बंद कर देंगे। और आपको उधर एक कैबिन दिख रहा होगा, ये जो लेयर बना रखी है, फिर इसको रोक देंगे कि इसमें एकदम ज़्यादा भीड़ ना भरे, लोग एकदम इतना ना भर जाएँ कि गर्मी में परेशान हो जाएँ। फिर से पिछले वाले को भरेंगे, ऐसे कर करके भरते रहेंगे। जब ये भर जाएगा तो इसके साथ में एक पंडाल है, फिर इस पंडाल को शुरू करेंगे। इस पंडाल में वहाँ से ये देखो पूरा इधर से वहाँ तक है ये पंडाल, फिर इसको पूरा भरेंगे। भाई वो देखो आप लोग दिख रहे हैं, अभी तो खाली है पूरा क्योंकि अभी जनता आनी स्टार्ट हुई है। शाम को 4 बजे कथा स्टार्ट होगी तो उस टाइम तक ज़्यादा भीड़ होती, शाम को 4 बजे तक लगभग ये पंडाल भर जाएगा। एक जो जिस पंडाल में अभी खड़े हैं ना, ये पंडाल तो पूरा भर जाएगा शाम के 4 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे साठ वाले पंडाल 4:30 बजे तक पूरे भर जाएंगे। और एक भक्त मिले हैं जिनकी थोड़ी बहुत इच्छाएं हैं, और ये बालाजी के काफ़ी अच्छे भगत हैं, काफ़ी समय से बालाजी की भक्ति करते हैं और बागेश्वर धाम से भी जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ी बहुत बातें हमें बता रहे थे। छोटा सा इनकी इच्छा थी कि हम कुछ बोलें, बालाजी से कुछ अर्जी लगाएं, तो आप लोग जान लीजिए भाई। जय सीताराम, जय राधे श्याम। मैं शुरू से भक्त हनुमान जी का एकदम बेचिंत होकर बोलिए, घबराइए ना। मैं बागेश्वर धाम बालाजी का भी भक्त हूँ, श्री हनुमान जी का भी भक्त हूँ, श्री रामचंद्र जी का भी भक्त हूँ, श्री सीता जी का भी भक्त हूँ, श्री अंजनेय नंदन का भी भक्त हूँ, श्री मारुति नंदन का भी भक्त हूँ, श्री राम। घबराए नहीं, मेरे को देख के बोल, भक्त हूँ। आप मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? अशोक श्रीवास्तव, अशोक 45 क्लर्क कॉलोनी एक्सटेंशन गौरी नगर इंदौर। हाँ, आप बागेश्वर धाम को कब से जान रहे हैं? करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल से आप जान रहे हो बागेश्वर धाम? ठीक है। बागेश्वर धाम आप कभी गए हो? नहीं गए। अभी गए नहीं? अभी नहीं गए हैं। अच्छा, इच्छा है आपकी? मेरी कुछ समस्या है। ठीक है, कुछ परेशानियां है। ठीक है, आप कभी गए, जाने की इच्छा है बागेश्वर धाम? बिल्कुल जाने की, हम दोनों पति पति जाने के इच्छुक है। हाँ हाँ, बस उनका आशीर्वाद हो तो हम आने के लिए बेताब है। ठीक है, अच्छा, मतलब बालाजी का आशीर्वाद हो तो आप जैसे बुलाए तो कहना तो ये चाहते हो ना? हाँ, जाना चाहते हैं। धाम से बुलावा आता है आपका, अगर बुलावा है तो बिल्कुल। ठीक है, अभी आप कहना क्या चाह रहे थे वो बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, इस कथा के माध्यम से मैं कई सालों से सीताराम की पोथी लिख रहा हूँ। ठीक है, और कई पोथियाँ मैंने लिख रखी है, लाखों नाम मैंने लिख रखे हैं, अन्य जगह भी मैंने राम नाम बैंक में जमा की है। हाँ। मेरी दिली इच्छा थी, मेरी मनोकामना थी कि ये किताब श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सप्रेम भेंट करूँ मैं। ओके, आप एक बार दिखा दीजिए थोड़ा। ओके, आपने राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, ये सब लिख रहे हो आप? हाँ। आपने कितनी लेखनी लिख दी, कितने हो गए लगभग आपके?
ये कम से कम मैंने 150 लेख नहीं लिख दी होगी किताब, एक किताब में 28,860 नाम है। अच्छा, एक किताब में 28,860 नाम है। हाँ जी। और आपने कितनी किताबें लिख दी है? करीबन इसको करीबन 50-60 किताब लिख दी होंगी, और अन्य पोथी भी लिखी है मैंने हाथ से, जैसे काफी किताब में। ठीक 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 है जी। वो मेरे को जैसे पर्याप्त जो साधन मिले ना उसमें भी लिखा हुआ है मैंने, और अन्य लोगों को भी देता हूँ मैं लिखने के लिए, तो कम से कम धर्म के लिए सीताराम का नाम लेते रहे, भगवान की कृपा होती रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा थी। ये बात तो सही है, प्रभु का नाम तो हमेशा लेना चाहिए। और मेरे यहाँ भी घर पे भी माता रानी शीतला माता का मंदिर का दरबार है, मैं वहाँ भी उनकी पूजा करता हूँ, भगवान की भी पूजा करता हूँ, हनुमान जी की। और जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर भी शाम को रोज आना हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का सबका स्मरण करता हूँ, पाठ करता रहता हूँ डेली। आपकी उम्र कितनी है बाबा? मेरी 62 साल की उम्र। 62 साल की उम्र। हाँ। और आप जो भक्ति में लीन हुए हैं वो कब से लीन है? वो तो मैं शुरू से ही हूँ, क्योंकि मेरे को आस्था शुरू से ही, क्योंकि मेरा जन्म फिरोजाबाद आगरा के पास हुआ है, और हाँ। मेरी वहाँ पे मंदिर ही थे, वहाँ पे हनुमान जी का भी था, राधा कृष्ण का भी था, शंकर भगवान का भी था, तो मेरी शुरू से जन्म ही मेरा धार्मिक उसमें ही हुआ है। ठीक। अच्छा, आप एक बात आइए, जब से आप बागेश्वर धाम को जान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, इनके जीवन से लेकिन से आप जुड़ के आपके जीवन में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो ये हुआ है कि मेरे को दिली शांति मिलती है। हाँ हाँ। अब जो पाप और पुण्य का जो कर्म है वो तो इंसान को सबको भोगना है। सही बात है, पाप की। वो चीज़ को मैं नकार नहीं रहा हूँ। हाँ। ना मैं उनसे भी मांग रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरे को भोगना है वो तो मैं भोगूंगा। वो तो सही बात है, जीव धरती पे आया है तो उसको अपना कर्म तो भोगना पड़ेगा। वही है, बाकी और कुछ आसानी यही थी कि मेरी पोती उन तक पहुँच जाए तो मेरा मतलब धन्य हो जाए। अभी आप कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, कैसे लेके जाओगे बागेश्वर धाम तक, कैसे पहुंचाओगे? नहीं, यही देना था मेरे, यही देना था। हाँ। तो यहाँ पे आप एक दो काम, तो जैसे मेरे को पता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, या तो आप इसको कार्यालय में जा सकते हो। कहाँ पे? बागेश्वर धाम का कार्यालय बना हुआ है, एक तो वहाँ बना हुआ था बाहर की तरफ, एक यहाँ के यहाँ पे पास में भी होगा, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि मैं पोथी देना चाहता हूँ, कब से जुड़ा हुआ हूँ, या फिर आप बागेश्वर धाम में जाके, वहाँ भी कार्यालय है, बागेश्वर अगर धाम में जाओगे तो वहाँ भी ऑफिस है अपना, गड़ा धाम वाला, गड़ा धाम में। हाँ। वहाँ पे भी उनका ऑफिस है, ऐसे भी मिल सकते, या फिर एक आपको पता होगा अर्जी लगाते हैं, हो सकता है आपको वैसे बुला लें। रोजाना लगा रहा हूँ। क्या तो आपको अगर बालाजी कृपया हुई तो वैसे भी बुला लें। हाँ। वो भी हो सकता है। अर्जी तो मैं लगाता हूँ सुबह शाम लगाता हूँ, श्री बागेश्वराय धाम नमः, श्री गुरु सन्यासी बाबा की जय, कलयुग के राजा की जय, दादा गुरु महाराज की जय, मैं तो उनको सुबह से शाम तक स्मरण ही करता रहता हूँ उनका, क्योंकि मेरा जीवन ही मतलब इंसानी मतलब धर्म में इसमें ही है मेरा। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हो मेरे जैसे जितने भी भक्त हो सब पे उनकी कृपा बनी रहे। बालेश्वर बाग दादा, जय हो, जय जय बागेश्वर, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की, जय कलयुग के राजा की, जय गड़ा धाम गुरु जी महाराज की, जय। धन्यवाद बाबा हमसे जुड़ने के लिए। अभी भाई बाबा जी से मिला ना कैमरे पे तो वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, उतना ज़्यादा नहीं बता रहे थे, पर जब उनसे पर्सनली अलग कैमरा बंद करके बातें करता रहा, काफ़ी 1-1.5 घंटा हमारी बातें होती रही, तो बाबा बता रहे थे कि वो थोड़े पेशेंट भी हैं, शुगर के मरीज हैं, मधुमेह उनको रोग है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो परेशान रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो भगवान से बहुत आस जोड़ रहे हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि उनके लिए दुआएँ कर सकते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। आप लोग भी भाई दुआ जरूर करना यार, जो भी वीडियो देख रहा हो ना भाई, अगर कोई भी आपको ऐसा लगे तो कम से कम मन से एक बार दुआ जरूर किया करो। कभी भी आप एक काम तो जरूर किया करो यार, जो देखो मुझे भी लगता है कि करना चाहिए, अगर आपके सामने से कभी एम्बुलेंस गुजर रही हो ना तो आप मन में एक बार ज़रूर सोचा करो कि भगवान इसमें जो भी है उसको स्वस्थ रखना, भले ही आप मंदिर देख के किस माथा झुकाओ ना झुकाओ, लेकिन अगर आप एम्बुलेंस देखो तो एक बार मन में ज़रूर सोचो कि भगवान इनका स्वास्थ्य सही रखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना।